हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। तो देखते हैं इस सिटिंग अरेंजमेंट को। इसमें आपके पर्सन रो बेस में बैठे हैं, प्लस आपका इसमें थोड़ा ब्लड रिलेशन का भी यूज करा गया है, एंड यहां पर इन लोगों ने वेरिएबल को भी यूज करा है। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ज्यादा लेंदी भी नहीं है, बहुत ट्रिकी भी नहीं है, लेकिन आपका इजी भी नहीं है। एक मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे लिया है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए। तो हिंदी लैंग्वेज वाले यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एंड यहाँ पे इसको एक बार खुद से जरूर अटेम्प्ट करिएगा। खुद से अटेम्प्ट करके देखिए कि आप इसे कितने समय में कंप्लीट कर पा रहे हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है आपका क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में। देखो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आपके 7 पर्सन है आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। आपके जो 7 पर्सन है वो रो की ओर फेस करके बैठे हुए हैं। देयर आर 3 फीमेल्स एंड 4 मेल्स। यहाँ पर आपके 3 जो है वो क्या आएंगी, फीमेल आएंगी और 4 मेल आएंगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपका मेंस का एग्जाम होता है उसमें जो आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी होता है। उसमें काफी इंफॉर्मेशन आपको दे दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने फिक्स कर दिया है कि आपके 3 फीमेल होंगे और 3 मेल होंगे। आगे कह रहे हैं नन ऑफ द फीमेल इज अनमैरिड एंड नन ऑफ द कपल इज सिटिंग टुगेदर। देखो आपके यहाँ पे 3 क्या है, 3 है आपकी फीमेल, ठीक। 4 क्या है, 4 आपके मेल हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि कोई भी फीमेल जो है वो अनमैरिड नहीं है। यहाँ पे लिखा है नन ऑफ द फीमेल इज अनमैरिड, कोई भी फीमेल अनमैरिड नहीं है, यानी कि यहाँ पे टोटल 3 कपल होंगे, ठीक। टोटल यहाँ पे 3 कपल होंगे और 1 मेल ऐसा होगा जो कि कैसा होगा, यहाँ पे अनमैरिड होगा। आगे कह रहे हैं यहाँ पे एंड नन ऑफ द कपल इज सिटिंग टुगेदर। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कोई भी कपल जो है वो यहाँ पे साथ में नहीं बैठेगा। दे वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज, इंडिया, फ्रांस, कंट्रीज कर लीजिएगा, ओके, इंडिया, फ्रांस, यूएसए, पाकिस्तान, रशिया, चाइना एंड श्रीलंका। फिर यहां से हम लोग क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ते हैं, ओके। देखो यहां पे ये कह रहे हैं कि पी इज अ मैरिड मैन बट डज नॉट वर्क इन यूएसए। यहां पे आपको 2 तरीके से डायग्राम को बनाकर चलना पड़ेगा। 2 तरीके से, यानी कि एक तरीका तो ये होगा कि आप सिटिंग अरेंजमेंट को बनाएंगे, दूसरा तरीका आपका ये होगा कि आप वेरिएबल को साइड में लिखेंगे, किस पर्सन को कौन सी कंट्री नहीं देनी है, किस पर्सन को किसके साथ नहीं बैठाना है, इन चीजों को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो या आप क्या कर सकते हैं, या तो आप लोग वेरिएबल में कंट्री को फिक्स कर लीजिए या फिर आप इन पर्सन को फिक्स कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे कंट्री को फिक्स कर लेती हूँ, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे आपकी कंट्री जो है वो एक सी लिख ली जाएंगी, लेकिन एग्जाम में मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप कंट्री को लिखिए क्योंकि आपका समय ज्यादा जाएगा, आप पर्सन को फिक्स करिए, ठीक है। तो यहां पर आप देखोगे कंट्री जो है वो कौन कौन सी है, इंडिया है, श्रीलंका है, ओके, उसके बाद यूएसए है एंड रशिया गिवन है, रशिया के अलावा यहाँ पे फ्रांस गिवन है, एंड फ्रांस के अलावा यहाँ पे चाइना है, चाइना एंड पाकिस्तान, ओके। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, तो 7 यहाँ पे आपके ये कंट्रीज हैं, उनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि पी इज अ मैरिड मैन, पी जो है वो एक मैरिड मैन है, यानी कि यहाँ पर इसकी वाइफ आएगी, बट डज नॉट वर्क इन यूएसए, लेकिन ये यूएसए में वर्क नहीं करता है, यानी कि पी को क्या नहीं मिलेगा, आपका यूएसए नहीं मिलेगा। आगे कह रहे हैं द वन मैरिड टू आर डज नॉट वर्क इन रशिया। तो वो पर्सन जो कि आपका आर से मैरिड है वो रशिया में वर्क नहीं करता है। अब देखो ये लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है, बहुत जल्दीबाजी में अगर आप पढ़ोगे तो आप ये समझ सकते हो कि आर डज नॉट वर्क इन रशिया, आर जो है वो रशिया में वर्क नहीं करता, मे बी आर ही रशिया में वर्क करता हो, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो पर्सन जिसकी शादी जो है वो आर से है, ठीक है, ये इसका जो स्पाउस है उस वो जो है कहाँ वर्क नहीं करता, रशिया में वर्क नहीं करता या नहीं करती, ठीक। आर का फीमेल और मेल नहीं पता तो उसकी जो स्पाउस है उसका मेल भी फीमेल हमें नहीं पता होगा, ठीक। देन पी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, पी जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पर आएगा, बट हमें नहीं पता कि पी जो है वो लेफ्ट एंड पर आएगा राइट एंड पर आएगा। तो इससे रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लाइक पी के थर्ड टू द राइट में ये पर्सन है या पी थर्ड टू द लेफ्ट में किसी पर्सन के है, तो इस टाइप की इन्फॉर्मेशन को हम पिक करके इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं 4 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड वी, क्यू और वी के बीच में कितने पर्सन आएंगे, 4 पर्सन आएंगे, ओके। देन द वन मैरिड टू यू वर्क इन फ्रांस, तो वो पर्सन जो कि फ्रांस में वर्क करता है वो यू से मैरिड है, तो यानी कि यू से जिसकी शादी हुई है ये पर्सन किस में वर्क करेगा, आपका फ्रांस में वर्क करेगा।
ठीक आगे कह रहे हैं द वन हु इज अनमैरिड वर्क इन चाइना, तो वो पर्सन जो कि अनमैरिड है वो चाइना में वर्क करता है, इसको भी हम लिख लेंगे अनमैरिड चाइना। ठीक, देन आर इज नॉट मैरिड टू पी, आर जो है वो पी से मैरिड नहीं है, यानी कि यहां पर क्या नहीं आएगा, आपका आर नहीं आएगा। देन नन ऑफ द मेल्स वर्क इन श्रीलंका, श्रीलंका में कोई भी मेल वर्क नहीं करेगा, यानी कि श्रीलंका में एक फीमेल वर्क कर रही होगी। देन यू इज अ मैरिड फीमेल एंड वर्क्स इन पाकिस्तान, तो यू जो है वो कौन है, मैरिड फीमेल है, ठीक, एंड यू जो है पाकिस्तान में वर्क करती हैं, ठीक है। देन आगे कह रहे हैं द वन वर्किंग इन श्रीलंका इज मैरिड टू द वन हु वर्क्स इन रशिया, तो यहां पे कह रहे हैं कि वो पर्सन जो कि श्रीलंका में वर्क करता है वो उस पर्सन के संग मैरिड है जो कि रशिया में वर्क करता है। देन पी इज मैरिड टू द वन हु वर्क्स इन यूएसए, तो पी जो है वो उससे मैरिड है जो कि यूएसए में वर्क करता है, तो पी उससे मैरिड है जो कि यूएसए में वर्क करता है, तो यहां पर हम लिख लेंगे छोटा सा इस तरीके से यूएसए। देन टी डज नॉट वर्क इन श्रीलंका, टी जो है वो श्रीलंका में नहीं है, यानी कि ट्री श्रीलंका में नहीं आएगा या नहीं आएगी। टू पर्सन सिट बिटवीन टी एंड द वन हु वर्क्स इन चाइना, तो पी और चाइना के बीच में दो का गैप होगा। देन द वन्स वर्किंग इन फ्रांस एंड यूएसए आर इमीडिएट नेबर ऑफ एस, तो वो पर्सन जो कि कहां वर्क करता है, आपका फ्रांस में एंड यूएसए में, ये एस के इमीडिएट नेबर होंगे, एक लेफ्ट में आएगा एक राइट में आएगा। देन टी सिट्स टू द राइट ऑफ आर हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो यू के थर्ड टू द लेफ्ट में क्या आएगा, आर आएगा, और टी जो है वो आर की राइट में है, ठीक है, इस तरीके से। देन पर्सन सिटिंग इन एक्सट्रीम एंड्स आर मेल, तो पर्सन जो कि एक्सट्रीम एंड पर आएंगे वो दोनों तरफ मेल होंगे, तो देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, ठीक है। अब देखो क्यू और वी, इन दोनों में से कोई एक पर्सन जो है वो एक्सट्रीम एंड पर आएगा, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि यहां पर आप देखोगे क्यू, फिर वन टू थ्री फोर का गैप और फिर वी, टोटल कितने हो गए यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो गए, यानी कि या तो एक सीट यहां बढ़ेगी या फिर एक सीट यहां बढ़ेगी, दोनों में से कहीं भी बढ़ती है तो जो बचेगा वो आपका एंड में आएगा, और जो भी आपका एंड में आएगा वो आपका मेल होगा। तो देखो इससे ये तो फिक्स है कि क्यू एंड वी में से कोई एक पर्सन जो है वो क्या होगा, मेल होगा। तो इसको क्रैक करने की कोशिश करो कि यहाँ पे कोई आपको ऐसी हिंट मिल रही है जिसमें आप क्यू एंड वी में से किसी एक को आप कहां बैठा सको, एंड पर बैठा सको। तो आई थिंक यहां पे ऐसी कोई हिंट मिल नहीं रही है ना, क्योंकि देखो यू के बारे में गिवन है, वी एंड क्यू के बारे में गिवन नहीं है, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी ले लो फिर, ठीक, एक बार में आप क्यू को बैठा लिए एंड में, तो वन टू थ्री फोर का गैप करके वी यहां पे, ओके, एंड इसमें आपका देखो वी यहां भी आ सकता है और क्यू यहां भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, एक बार में आपका क्यू एंड वी जो है वो यहां आ सकते हैं, वन टू थ्री फोर का गैप करके आपका क्यू वी यहां भी आ सकता है, ओके। अगर आप इन दोनों की पॉसिबिलिटी नहीं लेंगे इस तरीके से तो आपको चार डायग्राम बनाने पड़ेंगे, इसको आपने हटा दिया। इसके बाद आप क्या करेंगे कि पी के बारे में जो गिवन है कि पी जो है वो एंड में आएगा, P जो है वो एंड में आएगा, इसका मतलब P यहां पर आएगा इस वाली कंडीशन में, और इस वाली कंडीशन में P यहां पर आएगा, ठीक, इसको आप हटा देंगे P एंड जो लिखा है। देन P और चाइना के बीच में दो का गैप होगा, सो वन एंड टू का गैप करके यहां पर क्या आ जाएगा आपका, चाइना, ओके, यहां पे वन एंड टू का गैप करोगे तो चाइना आ जाएगा यहां पे, ओके, इसे आप हटा देंगे। फिर देखो U के बारे में क्या गिवन है कि U के वन टू थ्री थर्ड टू दी लेफ्ट में R आएगा और R की राइट में T आएगा, तो अगर आप U यहां पे लिखते हो तो वन टू थ्री आपका R यहां पर आएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस कंडीशन में भी U यहां पे लिखते हो आप तो वन टू थ्री आपका R आ जाएगा यहां पे, ठीक, ये हो गया फिक्स, दो आपकी पॉसिबिलिटी बन गई, इसको आप हटा देंगे। R की राइट में T आएगा, बट R की राइट में T को आने के लिए यहाँ पे अभी आपका दो का गैप चल रहा है, सॉरी आपकी दो सीट चल रही हैं, इस दोनों में आपकी कंडीशन चल रही है, तो अभी आप रुकेंगे। अच्छा, U के बारे में गिवन है कि U फीमेल है एंड ये पाकिस्तान से है, तो हम इसको क्या कर देंगे, फीमेल, एंड लिख देंगे कि शी इज फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक।
देन इसके अलावा यू के साथ यानी कि यू का जो पार्टनर है, यू फीमेल है यानी कि यू का जो हस्बैंड है वो कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। तो फ्रांस में होगा तो अभी तो इसके बारे में बता नहीं सकते कौन हो सकता है ये। देखो पी क्यू आर एस टी एंड यू वी, ठीक है। यू का पार्टनर कौन हो सकता है? यू का पार्टनर, देखो यहाँ पे आपसे एक बात कही गई थी कि जो नन ऑफ द कपल इज सिटिंग टुगेदर, कोई भी कपल जो है वो साथ में नहीं बैठेगा, कोई भी कपल यहाँ पे साथ में नहीं बैठेगा। तो आप देखोगे, देखो आप क्वेश्चन को यहाँ पे एस से हम लोग पिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको ये कहा गया है कि एस के दोनों तरफ आपके, एक तो एक तरफ तो आपका फ्रांस आएगा, दूसरी तरफ आपका यूएसए आएगा। तो अगर आपका एस यहाँ आता है और फ्रांस यहाँ पर आना चाहिए या फिर यूएसए यहाँ पर आना चाहिए, इसके लिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए एस यहाँ नहीं आएगा और एस यहाँ आएगा। एस अगर यहाँ भी आता है तब भी आपका एक तरफ तो आप फ्रांस एंड यूएसए दे देंगे, लेकिन इस तरफ आप फ्रांस एंड यूएसए नहीं दे पाएंगे, इसलिए ये पॉसिबिलिटी आपकी कट हो जाएगी, बिकॉज एस के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। सेकेंड में अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर आप एस को कहाँ फिक्स कर सकते हो? देखो यहाँ पर अगर आप एस को फिक्स करते हो तो यहाँ पर आप दोनों तरफ फ्रांस एंड यूएसए नहीं दे सकते, इसलिए आप यहाँ पर क्या दोगे? एस यहाँ पर फ्रांस एंड यूएसए में से या तो फ्रांस यहाँ पर आएगा या फिर यूएसए आएगा। सेम यहाँ पर या तो फ्रांस आएगा या फिर यूएसए आएगा। कौन सा पर्सन यहाँ पे बचा है? टी बचा है, और टी जो है वो आर की राइट में आएगा, तो उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। ये भी हो गया। अनमैरिड, चाइना वाला अनमैरिड रहेगा, तो ये पर्सन अनमैरिड रहेगा, इसको हम लिख लेंगे, और ये क्या होगा? मेल होगा, अनमैरिड रहेगा, ठीक। कोई भी कपल साथ में नहीं बैठेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अब हमें यहाँ पे कपल ढूंढने हैं। देखो यहाँ पे कहा गया है कि पी के साथ वाली जो है वो यूएसए में वर्क करेगी, ठीक, लेकिन वो आर नहीं है, यानी कि पी की जो वाइफ है वो यूएसए में वर्क करेगी लेकिन वो आर नहीं है, यानी कि आर को यूएसए नहीं मिलेगा। यूएसए कैसे मिलेगा? टी को मिलेगा, बिकॉज यूएसए हमें या तो टी को देना है या फिर आर को देना है। इसलिए अब ये तो फिक्स हो गया कि यहाँ पे आपका जो यूएसए है वो हम किसको देंगे? टी को। और यहाँ पे जो फ्रांस है वो किसको देंगे? आर को। इसी के संग ये भी फिक्स हो गया कि पी की जो वाइफ है वो कौन बन जाएगी? यहाँ पे टी, यानी कि पी और टी होंगे कपल, ठीक। इसको आप कर दोगे। आर के बारे में नहीं पता कि ही इज अ मेल और शी इज अ फीमेल, तो अभी रुक जाते हैं, ओके। इसके अलावा इनका तो कपल बन गया, तो इनको आप हटा भी सकते हो, ठीक। देन आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अब जो यू है उसका यहाँ पे जो हस्बैंड है वो कौन होगा? देखो पी का हस्बैंड, पी जो था हस्बैंड वो टी का है, ये फिक्स हो गया। अब बचा क्यू वी, फिर उसके बाद और क्या बचा? एक बचा आपका आर, ठीक है, क्यू भी बचा, आर बचा। अच्छा यहाँ पे ऊपर एक पॉइंट आपको ये दे दिया गया है कि यू का जो हस्बैंड है वो फ्रांस से है, तो ठीक है आपका आर फिक्स हो गया, तो आर उसका हस्बैंड है, तो आर और यू हो गए एक कपल। अब एक कपल आपको और बचा है, तो ऑब्वियसली आपका क्यू वी एंड क्यू वी यही कपल होंगे, एक दूसरे मतलब दोनों। अब इसमें मेल एंड फीमेल का हमें पता नहीं चल रहा है। अच्छा इन्होंने दोनों तरफ ये बोला है कि एंड में आपके मेल आएंगे, तो ये भी आपका मेल होगा, ये भी मेल होगा, लेकिन स्टिल हमें नहीं पता है कि क्यू एंड वी इन दोनों में से मेल कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया था कि क्यू मेल है या फिर आपका वी मेल है, या फिर इन्होंने जो ये बताया है कि जिस भी पर्सन को श्रीलंका दिया जाएगा उसके संग, इन्होंने ये कहा है कि जिस भी पर्सन को श्रीलंका दिया जाएगा वो फीमेल को दिया जाएगा, किसी मेल को नहीं दिया जाएगा। तो किसी मेल को नहीं दिया जाएगा, इसका मतलब ये इस एंड पे नहीं आएगा, ये जो एक्सट्रीम एंड है यहाँ पे नहीं आएगा, श्रीलंका जो है वो यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पे जो फीमेल है वो क्यू होती है या वी होती है ये अभी भी हमें नहीं पता है, इन दोनों में से जो भी फीमेल होगी वो यहाँ पे आएगी, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? रशिया, ठीक। लास्ट जो आपका बचेगा वो होगा इंडिया, तो इंडिया आ जाएगा यहाँ पे, तो आर इज इक्वल टू रशिया। आर का, आर की वाइफ जो है वो रशिया में नहीं है, तो आर की वाइफ रशिया में नहीं है, कहाँ पर है? पाकिस्तान में, तो ये ठीक है। यू के हस्बैंड, ये भी हो गया। श्रीलंका एंड रशिया वाले ये क्या है? हस्बैंड वाइफ होंगे। यहाँ पे कहा गया था कि श्रीलंका इज मैरिड टू दी वन हु वर्क इन रशिया, ठीक है, ये भी हो गया। यू के जो हस्बैंड है वो फ्रांस में वर्क करेंगे, तो यू के हस्बैंड फ्रांस में वर्क करेंगे, ये भी हो गया। श्रीलंका जो है वो टी को नहीं देनी, तो हमने नहीं दी है, और किसी फीमेल को देनी है, तो यहाँ पर हम फीमेल को ही देंगे, बट हमें नहीं पता क्यू एंड वी में से कौन होगी। यूएसए आपको पी को नहीं देना है, तो यूएसए हमने पी को नहीं दिया है। इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन और नहीं दी गई है जिससे हम ये पता लगा सके कि यहाँ पे कौन सा पर्सन जो है वो आपका क्यू एंड वी में से मेल एंड फीमेल है। अगर हम पीछे की बात करें इसके इंस्ट्रक्शन की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि दिया गया है देयर आर थ्री फीमेल्स एंड फोर मेल्स, नन ऑफ फीमेल इज अनमैरिड एंड नन ऑफ द कपल सिटिंग टुगेदर, ठीक है।
एंड दे वर्क इन डिफरेंट कंट्रीज, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ कहा नहीं गया है कि जिससे हम पता लगा सकें कि कौन सा पर्सन जो है वो मेल है और कौन सा पर्सन फीमेल है. हु अमंग द फॉलोइंग इज मैरिड टू एस, एस के संग कौन मैरिड है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे पीछे तो एस के संग यहाँ पे कौन मैरिड है. देखो एस तो आपका वो था यहाँ पे अनमैरिड, ठीक है, तो एस के संग कोई मैरिड नहीं है. ऑप्शन क्या होगा, 5 बीच में आया था, चाइना इसको मिला था, चाइना वाले को अनमैरिड मिलेगा, यानी कि आपका एस तो जो है वो अनमैरिड है. देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन द वन हु मैरिड टू क्यू एंड द वन मैरिड टू आर. तो आर के जिस आर की शादी जिससे हुई है, तो आर की शादी किससे हुई है, यू से. तो यहां पर आपका वो पर्सन जिसकी शादी क्यू से हुई है और वो पर्सन जिसकी शादी आर से हुई है, इनके बीच में गैप कितना. देखो हमारा फिक्स ही नहीं है कि वी एंड क्यू ये एक दूसरे से मैरिड तो हैं, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की पोजीशन क्या है ये फिक्स ही नहीं है. फिक्स नहीं है तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, नन ऑफ दीज. देन हु अमंग द फॉलोइंग वर्क्स इन रशिया, रशिया में कौन वर्क कर रहा है. तो देखो रशिया में या तो वी वर्क करेगा या फिर क्यू वर्क करेगा, इसके बारे में हमें नहीं पता, इसलिए आंसर क्या होगा अगेन इसका, नन ऑफ दीज कंट्री. ओके यहाँ पे कंट्रीज कर लीजिएगा इसे. आर वर्क इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, सो फ्रांस. सो ऑप्शन नंबर 1 होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. सो इस सेशन को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, ऐसे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को लेकर हम मिलते रहेंगे. थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे.